मैडम बुला रही, अब अगर तू यहाँ से हिला ना तो इतनी छेद करूंगा तुझे पता नहीं चलेगा कि टैटू या मुंबई का नक्शा। स्टे हियर। यस मैडम। चीटर, बोला था ना, हाथ क्यों लगा रहे? यू कांट ट्रस्ट एनीवन। कम हियर, इधर इधर। आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। ये 500,000 की नोट की तरह है ना। अब हाथ खोले नहीं। वैसे कमाल की डेयरिंग की है इसने। वेल डन यार, इतनी हिम्मत की तुमने इसे किडनैप कर लिया। तुम्हारा दिमाग खा लिया होगा ना है? देखा, ये भी यही कह रहा है कि तुम अपनी बातों से दिमाग खा जा। अब टाइम पास करते रहेंगे कि मेरा हाथ खोले? हाँ ठीक है, खोल रहा हूँ। रो क्यों रही हो तुम? रो खा रही हूँ मैं। तुम लड़कियां भी ना रिक्वेस्ट करते हो अभी रोती हुई लगती हो। लेकिन आप रोएगा तो ये। कुछ कर निखिल, तू अपनी शक्ल इसे नहीं दिखा सकता। आपको ना ज्यादा हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं, पुलिस आएगी अपना काम खुद करेगी। वाह, सब कुछ मैंने किया और क्रेडिट पुलिस ले जाएगा? आपको क्रेडिट की क्या जरूरत है, पुलिस का काम है तो वही करेगी ना। अरे तो मेरा भी काम है, मैं ही करूंगा ना। नहीं आप नहीं करेंगे, आपसे पुलिस को बुलाएंगे और वो इसे यहाँ से लेकर। मैं नहीं बुलाऊंगा। आप कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि मैं बॉस हूँ। जब मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ तो आप बॉस कैसे हुए? भाग निखिल भाग, अभी को तेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। और हिम्मत कैसे उन्होंने हाथ लगा रखे? दादी प्लीज पी लो ना। बेटा मुझे चाय नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे क्या मन नहीं कर रहा है? पता है मैंने आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है, अदरक डाली है, इलायची डाली है। दादी प्लीज पी लो ना। देखो आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, अगर आप ऐसे ही करोगे ना तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर आपकी तबीयत खराब हुई ना तो अभी आपको नहीं मुझे सुनाएगा, मुझे बोलेगा कि भाभी आपने दादी की तबीयत का ख्याल नहीं रखा। कुछ नहीं बोलेगा अभी, मैं बता दूंगी उसे। हाँ ले जा बेटा। दीदी 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 सुनो, वो मिताली तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो दादी को चाय देने आई थी। चाय ला, मैं दे देती। नहीं नहीं एक काम कर, तू दे दे जाके अपनी सास को, ठीक है? चाय यहाँ से जा जा। दीदी लेकिन ये चाय तो दादी के लिए है ना। मिताली दीदी को इस वक्त चाय की नहीं मिठाई की जरूरत है, मिठाई की। तू चाय यहाँ से। मिठाई? हाँ मिठाई। अरे लेकिन ये कौन सी बात हुई भला? मतलब दादी का मूड खराब और दासी का मूड इतना अच्छा, और दासी मिठाई खिलाने की बात कर रही थी। इसका मतलब तो ये हुआ मिताली की कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और जहां गड़बड़ वहां मिताली। मतलब कान लगाकर तो सुनना ही पड़ेगा ना। दीदी दीदी कमाल हो गया, जो होना था वो नहीं हुआ और जो नहीं सोचा था वो हो गया। इस वक्त ना
अभी और प्रज्ञा की बहुत टेंशन हो रही है। मुझे तेरी बेकार की बातें नहीं सुननी। गप्पे मारनी है किसी और के साथ मार ले प्लीज। अरे दीदी मुझे गप्पे नहीं मारनी है, मुझे तो तुम्हें खुशखबरी सुनानी है, बहुत बड़ी वाली खुशखबरी। जल्दी बताना। क्या है ना दीदी, अभी कुछ देर पहले मैंने आलिया के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मैंने सुना क्या बात कर रही है? इसका मतलब है अभी की याददाश्त वापस आ गई। पक्का तो नहीं कह सकती दीदी मैं, लेकिन हाँ चांसेस पूरे हैं। ये भाई को ऐसा ही हो जाए, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं बता नहीं सकती कि दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत होंगी मैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? ठीक ही तो हूं मैं। वैसे तुम्हें एक बात पता है फुगी? मुझे फुगी बुला और आज से मैं तुम्हें वही बुलाऊंगा फुगी। मैं और पूरब ने डिसाइड किया था कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें फुगी बुलाऊंगा। मुझे पता था कि जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो तुम फुगी जैसी लगोगी। और वो दो हफ्तों वाला जो नोटिस था फिर भूल जाओ। मैं कोई नोटिस वोटिस देने की जरूरत नहीं। और डरो मत, वो 2-4 करोड़ 500,000 के नोट दे देना। बस तुम पैसे लेने आ जाना। सैलरी वो नहीं लोगी? बेटा जी सर पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? लगी तो है, पर मैंने आपकी बेटी के साथ गलत किया है उसी बात की सजा है। ऐसे मत बोलो बेटा जी। हाँ गुस्सा आया था मुझे क्योंकि आप मेरी सच्ची और ईमानदार बेटी को गलत समझ रहे थे, लेकिन इतने बड़े रॉकस्टार होने के बावजूद भी आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, आप उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए माफी मांगने के लिए और फिर मेरी बच्ची की जान बचाई उन गुंडों से। मैं ही गलत थी, भगवान ही चाहता है कि आप दोनों एक साथ रहें। जब भगवान ये सब चाहता है तो मैं कौन होती आप दोनों को अलग करने वाली? मैंने जो गलती की है उसे मैं अभी सुधार दूं, इसलिए मैं ही अब जाती हूं। आप दोनों हमेशा साथ रहो, एक दूसरे के पास रहो और जिंदगी में कभी भी अलग। मुंबई से दादी का फोन। हाँ जी दादी। हेलो पूर्व, कहाँ है तू? अभी कैसा है? मैंने सुना उसके सर पे चोट लगी है, अब वो कैसा है? और प्रज्ञा को तो कुछ नहीं ना? दादी दादी एक मिनट, थोड़ा सांस तो ले लो। इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? अभी बिल्कुल ठीक है और बाकी सब भी ठीक। और बस हम अभी पालघर से निकलेंगे। अच्छा कौन कौन आ रहा है? प्रज्ञा साथ में आ रही है ना? जी अभी ने उनको मना लिया और हम उन्हें भी साथ लेकर आ रहे हैं। हाँ पूर्व ये बता कि अभी को सब याद आ गया, उसे पता चल गया कि प्रज्ञा कौन है? दादी वो सब तो नहीं हुआ लेकिन हम उन्हें साथ में लेकर जरूर आ रहे हैं। रुको 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 रुको,